हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास में आप सीखेंगे कि जब आप अपना लैपटॉप ऑन करते हैं तो उसमें जो टास्क बार होता है वो बॉटम में होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो टास्क बार होता है तो ऊपर आ चुका है। जिसको हम कहते हैं जो टास्क बार होता है वो बॉटम में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसे मैं ऊपर है, तो ये ऊपर कैसे आ गया? अगर इसको सही करना है तो कैसे सही करेंगे? अगर बाय द वे काम करते करते आपका टास्क बार ऊपर चला जाए तो उसको कैसे सही करेंगे? आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है और ये जो टास्क बार होता है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रॉपर्टीज़ का। तो प्रॉपर्टीज़ का जब आप यहाँ पर ऑप्शन आप देखेंगे तो इसमें होता है टास्क बार। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर पहला होता है लॉक द टास्क बार, और दूसरा होता है ऑटो हाइड, और इसके बाद तीसरा ऑप्शन होता है टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। तो आपको यहाँ पर आना है टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है तो टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है, इतने सारे ऑप्शन हैं। तो टोटल हमारे पास जो ऑप्शन है वो 4 हैं। तो अगर इसको आप नीचे भेजना चाह रहे हैं कि बॉटम में भेजना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे बॉटम पे और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर इसको आपको राइट पे भेजना है तो राइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर राइट पे क्लिक करेंगे और अप्लाई करेंगे तो ये राइट में आ जाएगा। फिर अगर इसको आप जो है लेफ़्ट में करना चाहेंगे तो यहाँ पर आप लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, ये लेफ़्ट में पहुँच जाएगा। अगर आप ऊपर भेजना चाह रहे हैं तो आप टॉप पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। अगर आप इसको बॉटम में अपनी जगह पे लाना चाहते हैं तो आप बॉटम पे क्लिक करेंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हो टास्क बार बटन कम्बाइन व्हेन टास्क बार इज़ फुल या नेवर कम्बाइन, और इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये जो टास्क बार है ये हमेशा आपको ये जो देखेंगे बॉटम में ही रहेगा। वीडियो कैसी लगी इसको लाइक करके जो है अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।